हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। अगर ये आपके बच्चे की पहली गर्मी है या अभी आपके बच्चे की एज 1 साल से कम है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। पहली गर्मी या पहली सर्दी बच्चों के लिए थोड़ी टफ होती है क्योंकि ये इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बिल्कुल नया होता है, इसलिए बच्चों को थोड़ी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में बच्चे को डिहाइड्रेशन होना, लाल दाने होना, घमोरिया, रैशेज होना, डायरिया होना, लू लगना या नोज़ ब्लॉक होना बहुत कॉमन सी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बच्चे की पहली गर्मी को बहुत ही आरामदायक बना सकते हैं। इसलिए आज इस वीडियो में हम बताएंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको अपने बच्चे पर ज़रूर अप्लाई करने हैं अगर आपके बच्चे की ये पहली गर्मी है। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। फर्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में बच्चों को जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो डिहाइड्रेशन होना है, यानी बच्चे में पानी की कमी होना। लेकिन अगर बच्चे की ये 0 to 6 month है तो गर्मी के मौसम में भी हमें बच्चे को पानी नहीं पिलाना है क्योंकि इतने छोटे बच्चे को गर्मी के मौसम में ही पानी से इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इतने छोटे बच्चों को केवल ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क दिया जाता है। ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क मोस्टली पानी से ही बना होता है जिससे बच्चे में पानी की कमी पूरी हो जाती है। इसलिए गर्मी के मौसम में हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान रखना होता है कि हम टाइम टू टाइम बच्चे को फीड कराएं। अगर बच्चे की एज 2 month से कम है तो उस केस में हर 2 घंटे में बच्चे को फीड कराइए। अगर बच्चा 2 month से बड़ा है तो उस केस में जब बच्चा डिमांड करता है तो उससे दूध पिलाइए। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि बच्चे को दूध पिए हुए काफ़ी टाइम हो गया है लेकिन बच्चा डिमांड नहीं कर रहा है तो उस केस में भी बच्चे को अपने आप ही फीड कराइए बिना डिमांड करे हुए भी। और कुछ साइन होते हैं जो बताते हैं कि बच्चे में पानी की कमी हो रही है। जैसे अगर बच्चा पूरे दिन में लगभग 6 बार यूरिन पास नहीं कर रहा है और रात में 2 से 3 बार यूरिन पास नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है बच्चे में पानी की कमी हो सकती है। या बच्चे के लिप्स ड्राई हो रहे हैं, बच्चे की स्किन ड्राई हो रही है तो उस केस में भी बच्चे को पानी की कमी हो सकती है। या बच्चा थोड़ा लेज़ी हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा तो इसका मतलब भी है कि बच्चे को गर्मी में पानी की कमी हो सकती है। बच्चे में पानी की कमी होने पर बच्चे को तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड पे तो माँ को चाहिए कि वो खुद ज़्यादा पानी पिए क्योंकि अगर माँ में पानी की कमी होती है तो फिर बच्चे में भी पानी की कमी हो जाती है। और अगर बच्चा 6 month से बड़ा है तो उस केस में बच्चे को गर्मी के मौसम में टाइम टू टाइम पानी पिलाइए उसकी एज के अकॉर्डिंग। लेकिन गर्मी के मौसम में भी आपको बच्चे को बॉइल्ड वाटर ठंडा कर ही पिलाना है। फ्रिज का निकला हुआ पानी बच्चे को देना बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में आपको बच्चे को कॉटन के ही कपड़े पहनाने हैं। जो बच्चे के कपड़ों का साइज़ है उससे 1 number बड़ा कपड़ा पहनाइए ताकि कपड़े थोड़े खुले खुले रहें और बच्चा कंफर्टेबल फील करे। गर्मी के मौसम में लाइट कलर के कपड़े ही बच्चे को पहनाने चाहिए और ज़्यादा लेयर्स नहीं पहनानी चाहिए। आप बच्चे को एक वेस्ट पहना दीजिए, उसके ऊपर एक टी शर्ट पहना दीजिए, इतना काफ़ी होता है। हमें लगता है कि बच्चे को तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है तो उसे ज़्यादा कपड़े पहना दें कहीं उसे ठंड ना लग जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे को भी गर्मी लगती है। बच्चे को गर्मी लग रही है इसके लिए बच्चे कुछ साइन देने लगते हैं, जैसे बच्चे के गाल लाल हो जाएंगे, बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ लगेगा, बच्चा अचानक से बहुत रोने लगेगा, उसके सर पर हल्का सा पसीना आने लगेगा या बच्चे के कान के पीछे पसीना आने लगेगा। तो उस केस में बच्चे के रूम का टेम्परेचर थोड़ा कम करिए तो आप देखेंगे कि बच्चा शांत हो जाएगा, यानी बच्चे को गर्मी लग रही थी तो अब बच्चा रिलैक्स फील कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में आपको बच्चे की मालिश दिन में 2 बार करनी है। के मौसम में जो ऑयल हम यूज़ करते हैं मालिश के लिए वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होना चाहिए, यानी ज़्यादा चिपचिपा नहीं होना चाहिए, उसकी तासीर ठंडी होनी चाहिए। तो गर्मी के मौसम में बच्चे की मालिश के लिए सबसे अच्छा ऑयल होता है कोकोनट ऑयल। इसकी तासीर ठंडी होती है और बच्चे की मालिश करने के 15 minutes के बाद बच्चे को नहला दीजिए। रात में जो आप बच्चे की मालिश करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑयल हटाने के लिए आप हल्के गुनगुने पानी से बच्चे को स्पंज कर सकते हैं। बच्चे को नहलाने के लिए आपको हल्के गुनगुने पानी का ही यूज़ करना है, ठंडे पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस होते हैं गर्मी के मौसम में। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे को डायरेक्ट फैन, एसी या कूलर के सामने नहीं सुलाना आपको, क्योंकि इससे बच्चे को हवा लगने के चांसेस होते हैं। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को डायरेक्ट हवा ना लगे।
और अगर आप एसी का यूज़ करते हैं बच्चे के लिए, तो रूम का टेम्परेचर आपको 24 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रखना है। इससे कम रूम का टेम्परेचर मत करिए, क्योंकि इससे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस होते हैं। और एसी वाले रूम में बच्चे को अच्छे से कवर कर कर रखिए, कपड़े अच्छे से पहनाइए, कपड़े कॉटन के ही पहनाइए, बट पूरा कवर कर कर रखिए बच्चे को। बच्चे की एज अगर एक मंथ से कम है तो उस केस में आप एसी वाले रूम में बच्चे को कॉटन के सॉक्स भी पहनाइए, कॉटन की कैप भी पहनाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो बच्चे को गर्मी के मौसम में आपको फ्रेश बना हुआ खाना ही देना है। 7 मंथ से बड़े बच्चे के खाने में दही, छाछ या कोकोनट वाटर भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। और गर्मी के मौसम में भी आप बच्चे को ड्राई फ्रूट्स दे सकते हैं, लेकिन ड्राई फ्रूट्स को देने का सबसे अच्छा तरीका होता है गर्मी के मौसम में, आप उसे रात को भिगो कर रखिए, सुबह आप उसे घिस कर या पीस कर बच्चे को खिला दीजिए। लेकिन गर्मी के मौसम में कुछ चीज़ें छोटे बच्चों को देना अवॉइड करना चाहिए। जैसे कुछ लोग जायफल रेगुलर बेसिस पे बच्चे को देते हैं, पर गर्मी के मौसम में आपको जायफल रेगुलर कभी भी बच्चे को नहीं देना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। जब बच्चे को सर्दी जुकाम खांसी है तभी आप बच्चे को जायफल दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी के मौसम में बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए गर्मी के मौसम में बच्चे के आसपास आप सफाई रखिए। जो चीज़ बच्चा बार बार टच करता है उसे सैनिटाइज कर दीजिए, बच्चे की बॉटल को अच्छे से स्टेरलाइज करिए। और गर्मी के मौसम में दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक बच्चे को घर से बाहर ले जाना अवॉइड करिए, जब बहुत तेज़ धूप होती है। अगर आप किसी भी रीज़न से घर से बाहर जाते हैं तो बच्चे को अच्छे से कवर कर कर लेके जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है, गर्मी में बच्चे को लाल दाने, घमोरिया, डायपर रैशेज और हीट रैशेज हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा गर्मी है तो उस केस में बच्चे को डायपर पहनाना अवॉइड करिए। उसकी जगह बच्चे को कॉटन के नैपी या कॉटन के पजामे पहनाइए। रात में आप बच्चे को डायपर पहना सकते हैं। और अगर बच्चे के लाल दाने या घमोरिया हो रहे हैं तो उस केस में मुल्तानी मिट्टी के पाउडर में थोड़ा सा रोज़ वाटर मिलाइए और जहां पर बच्चे को घमोरिया या लाल दाने हो रहे हैं वहां पर लगा दीजिए, और 10 मिनट के बाद उसे पानी से धोकर साफ़ कर दीजिए। इससे बच्चे के हीट रैशेस या घमोरिया बहुत जल्दी ठीक हो जाती हैं। और घमोरिया होने पर आप बच्चे के नेचुरल एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं उस एरिया पर, या फिर आप कर्ड भी लगा सकते हैं। इससे भी बच्चे की घमोरिया, लाल दाने बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।